संपत्ति के बंटवारे के मामले को लेकर मोहम्मद सिंह तुली और उसके दो साथियों के खिलाफ बड़ी थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने आर्बिट्रेटर के सहायक को जान से मारने की धमकी दी है और उसके कब्जे से संपत्ति के महत्वपूर्ण दस्तावेज हथिया लिए। मामले में आरोपी मोहम्मद सिंह तुली और उसके साथी अनवर और एक अन्य है। शिकायतकर्ता आर्बिट्रेटर के सहायक वकील नरेश कुमार शर्मा, उम्र 37 साल, हरियाणा निवासी है। नरेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2010 से मोहम्मद सिंह और उसके अन्य भाइयों में संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद जारी है। इसका हल निकालने के लिए आर्बिट्रेटर तेजपाल सिंह बेदी, शशिपाल सिंह मेहता, हरियाणा सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री जसविंदर सिंह ओबराय व अन्य एक है। बंटवारे के चलते मोहम्मद सिंह तुली और उसके अन्य भाइयों ने अपने अपने हिसाब से संपत्ति का मूल्यांकन करवाया था। हालांकि संपत्ति 800 से 1000 करोड़ होने का बताया जा रहा है। बंटवारे पर जल्दी फैसला हो, इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पर सुनवाई जारी थी। इस बीच तुली बंधुओं का यह कहना था कि संपत्ति के बंटवारे का फैसला नागपुर में हो। काल दिनांक 29/7/21 रोजी कंट्रोल रूम वरून कॉल आला व तुली हॉटेल मध्ये काही चोरी झाली आहे अशा बाबतचा मेसेज आला। त्यावरून आम्ही त्या ठिकाणी, आम्ही स्वतः आणि आमची टीम त्या ठिकाणी गेलो होतो। त्या ठिकाणी एकूण चौकशी केली असता सदर जे तुली कुटुंब आहे यांच्या आपसातमध्ये काही प्रॉपर्टीवरनं काही वाद चालू आहे आणि त्यासाठी काही आर्बिट्रेटर वगैरे नेमलेले आहेत। त्यांचं आर्बिट्रेशनच्या बाबतीत त्यांची मीटिंग वगैरे चालू होत्या। त्या दरम्यान काल त्यापैकी गैरअर्जदार जे आहे तुली, त्यांनी त्या आर्बिट्रेटरचे जे वकील आहेत त्यांच्याकडे जाऊन त्यांच्या रूममध्ये जाऊन काही कागदपत्रे घेऊन जबरदस्तीने ते घेऊन गेले असं त्याच्यामध्ये निष्पन्न झालं। त्यानुसार आम्ही त्यांची तक्रार घेऊन गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि त्याप्रमाणे पुढील योग्य ती कायदेशीर कारवाई आम्ही करीत आहोत। फैसला 23 से 27 जुलाई 2021 के बीच में होना था, जिसके चलते आर्बिट्रेटर को नागपुर बुलाया गया था। कार्रवाई जारी थी कि गुरुवार की सुबह मोहम्मद सिंह तुली अपने दो साथियों के साथ नरेश कुमार के तुली होटल के कमरा नंबर 407 में आधमका और उसे जान से मारने की धमकी देकर खुद के हस्ताक्षर तथा संपत्ति से जुड़े अन्य दस्तावेज फाइल से निकाल कर ले गया। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी थी। माना जा रहा है कि ऐसा फैसला टालने के लिए कहा गया है। इस बीच नरेश कुमार की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया गया है। मोहम्मद सिंह तुली और उसके साथियों की सरगर्मी से तलाश जारी है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।